सागवाड़ा की पावन धरा से मोदी ने की जबरदस्त भविष्यवाणी, अब कभी भी नहीं बनेगी गहलोत सरकार। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा अंतर्गत आज भिखाभाई महाविद्यालय खेल मैदान सागवाड़ा में सुबह करीब 11 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी हेलीपैड पर 4 विशेष हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचे। सभा स्थल पर पहुंचने पर उनका सागवाड़ा की जनता ने मोदी के जयकारों के साथ स्वागत किया। जनता का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे अपने घर आए हैं। उन्होंने सभा के दौरान कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए भविष्यवाणी की और कहा कि अब कभी भी राजस्थान में गहलोत सरकार की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहां एक ही जवाब मिल रहा है, गहलोत जी, कोई नहीं मिले वोट जी। कांग्रेस सरकार ने हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। कांग्रेस के पाले हुए पेपर माफियाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी को वोट दिया तो वो कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर किसी क्षेत्रीय पार्टी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में यह कहने से नहीं चुके कि इस बार उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है और पार्टी का नाम बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की ही चाल है। अगर किसी अन्य पार्टी को मतदान किया तो कांग्रेस पार्टी के खाते में ही मतदान होगा, क्योंकि वे लोग जीतने के बाद कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस सरकार का सफाया इसलिए जरूरी है ताकि केंद्र सरकार की हर योजना यहां पर अच्छे से लागू हो। आपको बता दें कि इस सभा के दौरान सभास्थल पर लाखों की संख्या में मोदी समर्थक मौजूद थे और सभास्थल पंडाल मोदी मोदी और जय श्री राम के जयकारों के साथ बार बार गूंजता हुआ नजर आया। सभा की समाप्ति के बाद कम से कम एक घंटे तक खड़कदास से लेकर गलिया गुट मोड़ तक मार्ग भारी भीड़ की वजह से अवरुद्ध रहा। पुलिस प्रशासन ने भारी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू किया। इस दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, 84 विधायक विधानसभा प्रत्याशी सुशील कटारा, डूंगरपुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा, आसपुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी गोपीचंद मीणा, सागवाड़ा विधानसभा विधायक प्रत्याशी शंकरलाल डेचा सहित जिला प्रमुख सूर्य आहरी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार ने किया। आपको बता दें कि मोदी की सभा समाप्त हो जाने के बाद भी लोगों के आने का दौर जारी था, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सुबह 7 बजे से आकर के बैठे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। सागवाड़ा के चारों विधानसभा जीत करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा और एक दरियावाद पूरी के पूरे 11 से 11 सीटें जीत करके हम मोदी जी के झोली में डालेंगे। और मैं हमारे यहाँ पधारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी और ये जो व्यवस्था देख रहे हैं वो पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल सफल रहा है, और हमें गर्व है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और एक दिन भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। और दूसरी बात यह है कि 22 तारीख को हमारे भगवान राम लला के मंदिर का वो है मूर्ति स्थापना है, तो आप सब भी बता रहे हैं
आप सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। एक बात और पूछना चाहता हूं सर कि यहां पर मावजी महाराज को उन्होंने क्षमा मांगते हुए एक भविष्यवाणी कर दी कि अब अगले चुनाव में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धरातल स्तर पर ये भविष्यवाणी कितनी खरी साबित होगी? जैसा कि आपको पता है कि मावजी महाराज के चोपड़े में जो लिखा किताब है, आज तक ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो वो गलत साबित हुई है, और उन्हीं को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ये घोषणा की और हम भी चाहते हैं, और ये आप देख रहे हो जानूम वो भी चाहता है कि राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बने। कांग्रेस की सरकार में अत्याचार हो रहे हैं, वो बेटियां असुरक्षित है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े माफिया आने वाले समय में आप सब देखोगे, जैसे राजस्थान की सरकार आएगी, जैसे ही राजस्थान की सरकार आएगी हमारे, आप यकीन मानो कि जितने भी बड़े बड़े पेपर माफिया है जिन्होंने पेपर लिख कर आए, वो सभी के सभी जेल की सलाखों के अंदर होंगे, आप मान के चलो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% 2023 में चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और राजस्थान में भी सरकार बनेगी, और 2024 में हमारे प्रधानमंत्री फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बिल्कुल निश्चिंत है और आश्वस्त है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जिंदा पार्टी, जिंदाबाद, भारत माता की जय। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।